इंस्टाग्राम मैसेज या इंस्टाग्राम चैट। दोस्तों इंस्टाग्राम चैट जो है वो दोनों तरफ से किस प्रकार से डिलीट की जाती है, या सामने वाला जो हमारे फ़ोन पे मैसेज जिसने किया है इंस्टाग्राम पे, उसको हमें कैसे डिलीट करना है, तो इसी के बारे में पूरी जानकारी दोस्तों मैं यहाँ पे आज आप लोगों को देने वाला हूँ। तो आप लोगों के सामने मैंने इंस्टाग्राम ओपन कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो अपडेट कौन सी आई है और किस अपडेट के कारण मैं सामने वाले के मैसेज अपने फ़ोन से जो है वो डिलीट कर सकता हूँ और एक एक करके मैसेज डिलीट कर सकता हूँ, मैसेज को सेलेक्ट कर करके डिलीट कर सकता हूँ, जो मैसेज मैं डिलीट करना चाहूँ वो मैसेज सामने वाले का डिलीट कर सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे देख लेता हूँ अपडेट किस प्रकार की अपडेट आई है, और वो जानकारी आप लोगों को देनी थी इसलिए मैंने आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं दोस्तों यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं मैसेज में आ गया हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करता हूँ मैं यहाँ पे एक मैसेज कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं हेलो किया हमने और इस साइड में यहाँ पे मैसेज आ गया, ये मैसेज दोस्तों मेरे में आ गया है। आप लोग देख सकते हैं मैं जब इस फ़ोन से मैसेज कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने इसीलिए दो फ़ोन यहाँ पर रख लिए हैं ताकि आप लोगों को यहाँ पर समझा सकूँ। तो अब दोस्तों क्या करना है, मैं ये मैसेज आप लोगों के सामने यहाँ पे कर रहा हूँ, इधर देख लीजिए आप लोग टाइपिंग होते हुए आ रही है, मैं यहाँ पे ये मैसेज कर रहा हूँ और आप लोग देख सकते हैं मैंने इतना बड़ा यहाँ पे मैसेज किया है और ये मैसेज इस साइड में आ गया है। अब दोस्तों क्या करना है कि जो अपडेट आई है उसके बारे में आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है क्या अपडेट आई है। अब दोस्तों जैसे कि इस फ़ोन से मैंने मैसेज किया है, इस वाले फ़ोन से मैंने मैसेज किया है इस वाले फ़ोन पे, ठीक है, इस वाले फ़ोन पे मैंने मैसेज किया है। अब दोस्तों क्या है, मैं सामने वाले बंदे का मैसेज इस फ़ोन से अपने डिलीट करना चाहता हूँ, तो क्या डिलीट हो जाएगा या नहीं, चलिए मैं इस पर थोड़ा सा प्रेस करके रखता हूँ और अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आने लगा है डिलीट फॉर यू, और डिलीट फॉर यू का मतलब है कि केवल आप अपने फ़ोन से मैसेज डिलीट कर सकते हैं, सामने वाले बंदे ने जिसने मैसेज भेजा है उसके फ़ोन में मैसेज पड़ा रहेगा, जो मैसेज आपके फ़ोन पर भेजा गया है केवल आप अपने फ़ोन से मैसेज को डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैंने इस पर क्लिक किया है और यहाँ पे लिखा है डिलीट फॉर यू वन, तो मैंने दोस्तों यहाँ पे क्या कर दिया, क्लिक कर दिया है और यहाँ से मैसेज ये डिलीट हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पे मैसेज सेलेक्ट कर करके किस प्रकार से मैसेज डिलीट करने हैं, चलिए मैं थोड़े से मैसेज यहाँ पर भेज लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैसेज को सेलेक्ट कर कैसे आप लोग डिलीट कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इतने मैसेज भेज दिए, अब यहाँ पे क्या करूँगा, एक मैसेज मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ डिलीट फॉर यू पे आऊँगा। अब यहाँ पे सभी के आगे क्या बन के आ गया दोस्तों, बॉक्स बन के आ गया है। अब जैसे आप बॉक्स पे क्लिक करते जाएंगे, जो भी मैसेज आप बॉक्स पे क्लिक करेंगे आप वो मैसेज को क्या कर पाएंगे, डिलीट कर सकते हैं। चलिए आप लोगों के सामने आप लोग देख सकते हैं मैंने इतने सारे मैसेज पड़े थे, सभी पे क्या कर दिया, क्लिक कर दिया है, अब सभी को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये मैसेज सारे डिलीट हो गए हैं। तो कहने का मतलब है पहले दोस्तों ऐसा कोई अपडेट नहीं था, अगर सामने वाले बंदा आपके फ़ोन पर मैसेज कर रहा है तो आप पूरी चैट या फिर डिलीट करें, या फिर आपको दोस्तों एक एक मैसेज करके आप वहाँ पर नहीं डिलीट कर सकते थे। तो ये अपडेट दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी है आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है। और मैं दोस्तों यहाँ पे बात करने वाला हूँ, जैसे कि आपने क्या किया है, इस फ़ोन से आपने कोई मैसेज एक यहाँ पे भेज दिया है, तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मैं इस फ़ोन से एक मैसेज इस फ़ोन पे भेजा हूँ, तो मैसेज मैंने अगर भेजा है तो क्या हम मैसेज अपना दोनों तरफ से डिलीट कर सकते हैं, तो हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपने मैसेज किया है तो आप अपना मैसेज जो है जिस साइड में गया है उस साइड से भी डिलीट कर सकते हैं, नहीं पता चलेगा कि उसके पर कौन सा मैसेज आया है अगर आप अपने फ़ोन से डिलीट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों मैंने ये वाला मैसेज अभी किया है आप लोगों के सामने और इधर ये मैसेज आ गया है, अब मैं यहाँ पर इस फ़ोन से डिलीट करने जा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं लिखा है अनसेंड, यहाँ पे आपको अनसेंड वाले पे क्लिक करना है, डिलीट फॉर यू पे नहीं क्लिक करना है, आपको अनसेंड मैसेज पे क्लिक करना है। चलिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे लिखा है अनसेंड, यहाँ पे अनसेंड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस साइड से भी मैसेज डिलीट हो गया। कहने का मतलब है अगर आप मैसेज भेजते हैं किसी दूसरे पर और आप जो है मैसेज को दोनों साइड से डिलीट करना चाहते हैं तो अनसेंड करके आप मैसेज दोनों साइड से डिलीट कर सकते हैं।
तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये अपडेट पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो कुछ अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी आपको प्रेस कर लेना है ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।